बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज जर्नल। ये जर्नल क्या होता है? पहले तो ये दो स्पेलिंग्स में फर्क बता दूं। एक हमारी स्पेलिंग चलती थी GENERAL, जिसको सामान्य कहते हैं ना, वो नहीं है। ये जर्नल सामान्य होता है, ये हमारी स्पेलिंग अलग है, JOURNAL जर्नल, जिसको रोज ना मचा कहते हैं। रोज ना मचा, हिंदी में ना भी याद हो तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। बस एक बार समझ लीजिए, रोज ना मचा। ओके, नेक्स्ट थिंग। देखिए बेटे, ये हमारी पहली बुक है एंट्री करने की शुरुआत। लेकिन इससे पहले जो बुक नहीं होगी, उससे पहले क्या होगा? देखिए, पहले तो आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे, किसी के साथ लेन देन करोगे। बिना लेन देन तो बात ही नहीं बनती। लेन देन करोगे, वो भी आपका मनी में मेजर हो सके, पैसे में नापा जा सके उस लेन देन की। और अगली बात, बिजनेस की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, घर की नहीं, पड़ोसियों की, पड़ोसी के साथ नहीं। हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस के साथ या तो पैसा आए या जाए, या कोई माल आए या कोई माल जाए, या कोई मशीन आए या कोई मशीन जाए, कुछ भी जिसका हमारे बिजनेस के साथ लिंक है, उनकी बात कर रहा है। वो भी मनी में मेजर हो सके, उसको मापा जा सके। ठीक है बेटे, आप चलते हैं आगे। जब हम किसी से जैसे हम मान लीजिए किसी की पेमेंट करते हैं, तो क्या सबूत है? तो बेटे, हम उससे एक रसीद लेंगे, बिल लेंगे, जैसे कैश मीमो होता है। किसी दुकान से कभी माल खरीदा हो तो वो क्या करता है दुकानदार, एक रेड या येलो कलर का एक पेज ऊपर का होता है, उसके नीचे व्हाइट कलर का होता है, इस तरीके से रखता है, बीच में कार्बन डालता है, आपका नाम पूछकर और टेलीफोन नंबर वगैरह लिख के, अमाउंट लिख के आपने क्या सामान खरीदा, और बिल आपको दे देता है। ये प्रमाण है पहला, क्योंकि कल को हम इसमें एंट्री तो कर लें, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए। फिर उसको क्या करते हैं बेटे, लाने के बाद हम खुद, यानी ये जो फर्म है या बिजनेस है जो भी है, वो क्या करते हैं, एक अपनी वाउचर की कॉपी रखते हैं। वाउचर, उसको वाउचर बोलते हैं। वाउचर होता क्या है कि एक प्रिंटेड सा पेज होता है, उसमें वो जो माल आप पेमेंट करी उसकी डिटेल लिखेंगे, या माल खरीदा उसकी डिटेल लिखेंगे, या माल बेचा उसकी डिटेल, यानी जो भी आपने लेन देन कुछ भी करा उनके लिए उसमें डिटेल लिखेंगे। इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, इस बारे में कर दो, वो डिटेल हो गई। फिर वो लिखेगा अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट क्या करेगा, अपने अधिकारी से साइन भी करवाएगा, क्योंकि अगर अधिकारी से साइन ना करवाए तो क्या पता अकाउंटेंट गड़बड़ कर दे, कुछ अपने घर का ही कोई बिल इसमें बिजनेस में लगा दे। तो जब अधिकारी भी साइन करेगा तो वो ठीक हो जाता है। तो अभी तक तो ये बुक नहीं है, पेजेस है। वो जो मैंने बताया ना, प्रिंटेड पेजेस थे, वो पेज फाड़ेंगे, उसके साथ वो चिपका देंगे जो भी बिल है। कभी बिल नहीं होता तो वाउचर को ही बिल मना लिया जाता है, पर वाउचर जरूर बनेगा। ठीक है, अब उनको फाइल में लगाते हैं, फाइल में 1, 2, 3, 4 करके नंबर लगाते हैं। उन्हीं बिलों से, उन्हीं जो वाउचर बना, उन वाउचरों से शुरुआत करते हैं हम जर्नल की, बुक की। अब ये बुक क्या है? बुक नहीं है ये, ये रजिस्टर है, मतलब बल्कि मोटी सी यूं रजिस्टर कहें, और जो प्लेन पेपर होते हैं, सारे कोरे पेज होते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा ये परफॉर्मा जैसे मैंने बना रखा ना, ये ऐसे खाने लाइनें वगैरह ये तो लगी होती हैं, पर बाकी बीच में खाली होता है। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है? देखिए, आपको एक रजिस्टर लेना है, रजिस्टर, ये मेरा छोटा रजिस्टर जो फुल साइज का रजिस्टर होता है वो लेना है, और मोटाई भी लगभग ठीक है, इतनी तो मोटाई होनी चाहिए, लगभग इतनी मोटाई लगा लीजिए। अब क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे जो लाइन लगाई है, ये थोड़ा सी तिरछी लाइन लगाई है, इससे इधर का एरिया मैंने मजबूरी है, मेरी मजबूरी है कि मैंने ये यूज किया है। आपको नहीं करना, आपको ये पेज पूरा मानना है, ये वाला, ठीक है, ये नहीं, ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ कोने से लेकर यहाँ तक मेरा खत्म हो जाता है। इससे अलग मैंने मजबूरी बताई ना कि मुझे यहाँ लिखना था, वरना ना लिखना होता तो मैं पूरा जो ये बोर्ड है ये यूज करता इसी के लिए। तो आपका ही रजिस्टर,
अब देखिए कैसे करना है, इसमें क्या करना है बच्चे ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 पांच कॉलम बनेंगे, इनको कॉलम बोलते हैं, ऐसे ये कॉलम है बेटे, ये कॉलम है, कंप्यूटर में देखे होंगे ना ये कॉलम होते हैं और यू में रो होती है। लाइन वाला पेज लेना, लाइन दर, ये तो आपको डेट का खाना बनाना है। अब कितना चौड़ा बनाना है, रजिस्टर जब आप लाइन वाला लोगे तो आपको याद है कि जब प्रश्न लिखते हैं या क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद दो लाइनें आती हैं पतली पतली सी यूं खड़ी है ना, तो वहां से आगे तो हम प्रश्न लिखते हैं उसके आगे ही तो डिटेल लिखते हैं, बस उसी लाइन को आप डेट की लाइन मान लीजिए, वो तो डेट की हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको छोड़ दो, ये मैं आज आज बता रहा हूं, फिर आगे नहीं बताऊंगा, आगे तो फिर आप इसी के आधार पर चलते रहोगे। ये खाना बनाइए पीछे, सबसे पीछे वाला, कितना चौड़ा बनाऊं जिसमें 9 डिजिट्स आ जाए, यानी करोड़, 10 करोड़ की संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए 70 करोड़ है, 1,000,00,000 करोड़, ये देखिए 70 करोड़ रुपए तक आ गया, तो 9 डिजिट आ गए, 3 2 5 2 7 9 इतना आ जाना चाहिए, उतना ही चौड़ा खाना ये बनाना। ज्यादा बनाओगे ना चौड़ा तो बेटा ये छोटा हो जाएगा, क्यों, अगर इस खाने को मैं इतना चौड़ा बनाऊं फिर दूसरा इतना बनाऊं फिर तीसरा इतना बनता, ये छोटा, मुझे ये बड़ा चाहिए, क्योंकि इसी में तो हमने सब कुछ लिखना है, इसका नाम है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स विवरण, क्या ये विवरण, डिटेल क्या हुआ, तो ये खाना मुझे बड़ा बनाना है, और जब ये बड़ा बनाना है तो भाई आपको ये ठीक ठीक बनाना पड़ेगा, बहुत छोटा नहीं करना, दोनों सेम बनाने, हाँ एक स्केल ले लेना बड़े वाला स्केल, उस स्केल से आप सीधी लाइन लगा पाओगे पूरे रजिस्टर में। ठीक है, अब ये जो खाना है ये केवल 2 डिजिट का बहुत है, जैसे 79, बस 2 डिजिट आ जाए, इतना ही बहुत है, ज्यादा चौड़ा नहीं बनाना, और इसका नाम है लेजर फोलियो, LF ही लिखना है, LF ही लिखना है, वो इसलिए लिखना है क्योंकि ना ये जगह कम है ऐसे, पर इसको देखिए मैंने बीच में लिख दिया, 1 2 क्वेश्चनों में तो आप लिखिए शुरू शुरू में ऐसे लेजर फोलियो, क्यों लिखो, याद करने के लिए, फिर धीरे 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 LF लिखा करो, लेकिन लेजर फोलियो, ये होता क्या है बाद में बताऊंगा, LEDGER, इसमें D साइलेंट होता है बेटे, ऐसे लिखना नहीं होता, पर शुरू शुरू के जब आप 2 4 क्वेश्चन करो तो उनमें ये पूरी स्पेलिंग लिखो। ठीक है, जैसे मैं यू लिखता LEDGER लेजर FOILIO फोलियो, तो ऐसे लिखता, लेकिन इसमें मैंने लिख दिया, ओके ये लेजर फोलियो होगा। अच्छा जी, यहां तक भी हो गया, ये छोटा, ये थोड़ा ठीक, ये ठीक, और वो साइड में हो गया, अब ये जितना चौड़ा बन गया उतना ही अच्छा, कईयों को बनाना नहीं आता, अगर आप कभी नापना चाहें तो स्केल लेके नापना इन तीनों को, कहीं ऐसा ना हो ये भी इतना बड़ा, बल्कि इससे बड़ा होना चाहिए खाना, ये जितना बड़ा उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करें, चलें जर्नल ऑफ, यहां पे नाम दिया जाएगा, किसका नाम, जिस बिजनेस का नाम है, कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम हो जाएगा, व्यक्ति का तो व्यक्ति का नाम हो जाएगा, जो भी संस्था उसका नाम, जर्नल ऑफ, और अगर पेपर में ना दिया हो तो आप यहाँ पे जर्नल ऑफ करके ऐसे 3 डॉट कर दीजिए, डॉट करके छोड़ दीजिए, भाई मुझे इतना पता है किसी का नाम आएगा, अभी आपने नहीं दिया तो मैं क्या करूं, पर यहाँ पे हमने दे दिया जर्नल। ठीक है, अब ये मैं कह रहा हूं यहां पर ये एंट्रीज हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, रिकॉर्ड रिकॉर्ड एंड दीज एंट्रीज These transactions in journal of Ram. Ram के जर्नल में ये एंट्रियां रिकॉर्ड करो। ठीक है, उसका नाम डाल दिया, नाम से पता चल गया किसका है। ओके, पहली एंट्री है 2019 के अंदर है सारी, तो मैं बार बार ना लिखूं इसलिए मैं डेट में 2019 लिख के 2 लाइन लगा देता हूं, यानी बार बार मुझे, क्योंकि सन तो जल्दी बदलता नहीं बेटे, वो तो 1 साल के बाद बदलेगा, इसलिए एक बार 2019 लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब हम चलते हैं आगे,
अप्रैल 1 को राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। अगर ना भी दिखाई दे रहा हो तो आप इसे सुन सकते हैं, ठीक है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 लाख रुपए से राम ने व्यापार शुरू किया। तो दो खाते बनेंगे बच्चे, दो खाते कौन से बनेंगे? जब राम बिजनेस स्टार्ट करेगा, कैसे करेगा? घर से पैसा लाएगा, बिजनेस में लगा देगा। तो देखिए, एक तो बनेगा राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट पीछे लिख देते हैं इनके, राम्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा बनेगा कैश अकाउंट, कौन सा बनेगा? कैश अकाउंट। जो बच्चे सीधा है मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कोई फायदा नहीं है, ऐसे में सिर्फ आप एक ही बात कहोगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते, समझ में नहीं आता। आप कह सकते हो नहीं आता, लेकिन वो बाद में, पहले आप मेरी बात मान लीजिए, दौड़ना नहीं छोड़ना नहीं, पीछे का लेक्चर नहीं छोड़, क्योंकि पीछे एक एक लेक्चर में समझाया जा रहा है, ठीक है। तो दो खाते बनेंगे, राम्स का और कैश का। राम का है पर्सनल अकाउंट और कैश है रियल अकाउंट। अब वही आ गया ना, आपको पहले से पता होना चाहिए कौन पर्सनल है कौन रियल है, छटनी आनी चाहिए। वो याद आया बास्केट जो मैंने इसके डबल एंट्री सिस्टम का, जो इससे पहले एक लेक्चर दो लेक्चर दे चुका हूं, उनमें बनाया था, सिखाया था। मैं चाहूं तो इसको कैश से कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको राम से पर्सनल से कर सकता हूं, ठीक है। आपको ज्यादा आसान फिलहाल रियल वाला पड़ेगा, तो पहले रियल से कर लेते हैं, क्योंकि जो आसान पड़ जाए उससे करके देख लेते हैं। आपने पीछे एंट्री की थी ना, किसी से भी कर लो। देखिए रियल का रूल क्या है, रियल का रूल क्या है, और आपको कहा भी था मैंने, अगर मेरी बात मानोगे, वैसे बच्चे कई बार कम मानते हैं बात, वो सोचते हैं कि सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं। ये जो रूल्स बताए थे तीनों, वो सारा का सारा फ्रंट पेज पे लिख लो, ताकि आपको कभी भी देखना हो तो सीधा फ्रंट पेज पे आए और देखा रूल और चल पड़े। और याद तो करना ही है, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। किसके बारे में कह रहा हूं? रियल के बारे में। पकड़ो इस रियल को, कैश को। अगर कैश इस वक्त कम्स इन है, बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो डेबिट कर दो, और अगर बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। ये मैं इस वक्त पे को जोर देता हूं, क्योंकि कैश तो कभी आएगा कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा, तो मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, यानी इस ट्रांजेक्शन से आ रहा है कि जा रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन से कैश आ रहा है। देखो, जब मालिक पैसा लाएगा घर से तो बिजनेस में आएगा, तो बेटा ये आएगा, तो आएगा तो ये क्या करना पड़ेगा मुझे? डेबिट। तो ये अब क्रेडिट, ये अपने आप क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चेक करें, एंट्री करें, अब देखिए कैसे लिखना है। ये भी एक तरीका है, सिखा रहा हूं। पहले शुरू में आप 2 डॉट लगा दो, 3 लगा दो, बस शुरू शुरू में लगा लीजिए। ये डॉट का मतलब, जैसे नहीं लिखते ए बी सी ऐसे करके लिखते, तो 2-3 डॉट लगा लीजिए, आगे नहीं लगाने, अलाउड नहीं है डॉट लगाना। मैं तो शुरू में समझाने के लिए कर रहा हूं कि शुरू में थोड़ा सा तजुर्बा हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करें, यहां से करें कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, और बिल्कुल इसी में सीध में, लेकिन इस पर्टिकुलर से बाहर नहीं आना, यहां पे लिखना है डेबिट। आपके तो लाइन लगी होंगी ना, लाइन वाला पेज होगा, तो फिर तो आप लाइन से बाहर जाओगे नहीं। कैश अकाउंट और डेबिट बिल्कुल कॉर्नर में लिखना है। क्या लिखा मैंने? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए की बात कर रहा था? 1 लाख की। अब ये 1 लाख जो लिखना है, वो आपको पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने लिखा है सिखाया कि नहीं, पहले 3 डिजिट जैसे 1, 10, 100 100 तक, सैकड़ा तक, ये तो कट्ठे लिखने होते हैं, उसके बाद लगता है कौमा, फिर अगले 2 डिजिट, फिर उसके बाद कौमा, फिर अगले 2 डिजिट, फिर कौमा। अगर 1 लगाया कुछ नहीं, 2 लगा दिए कुछ नहीं, 1 और लग गया तो तब कौमा लग गया।
पहली बार 3 डिजिट के बाद, फिर 2 2 2 2 2 ऐसे करके लगता है। इसका फायदा यह होता है कि यदि ये कॉमा ना लगाऊं और मैं 7 8 5 3 4 2 3 2 7 9 ऐसे करके लिखूं, तो कई बार ना जल्दी में जो दहाई का अंक है वो सैकड़ा में काउंट हो जाता है, टेंस वाला 100 में, 100 वाला 1000 में, ऐसे कई गलती हो जाती है। लेकिन अगर इसकी बजाय आपका कॉमा है 7 लाख, ये यहाँ पे आ गया 7 लाख, ये 1000 हो गया, यहाँ पे 7, ये ऐसे करके कॉमे से पता चल जाता है 8 लाख, यूं करके थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको कॉमे की आदत भी डालनी है, ओके। चलिए, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं ये जो देखे, ये मैंने बता दिया डेट पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो का, ये अमाउंट लिखना है दोनों जगह, अमाउंट अमाउंट बने राशि, लेकिन अमेरिका में भी अमाउंट बोलेंगे, इंडिया में भी अमाउंट बोलेंगे, इसलिए अमाउंट लिख दिया गया। पर नीचे लिखा डेबिट और ये लिखा क्रेडिट, यानी डेबिट वाली रकम इसमें लिखनी है, क्रेडिट वाली इसमें लिखनी है, ठीक है बच्चे। अब क्योंकि इंडिया की बात चल रही है तो इंडिया में रुपीज चलता है, इसलिए रुपीज लिख लीजिए यहाँ पे। अमेरिका में डॉलर चलता है, वहां वो डॉलर लिखेंगे, है ना। जिस देश में जो जाऊं वहां की जो मुद्रा है वो मुद्रा का नाम लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ रुपीज लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, कितना, 1 लाख रुपया। तो देखिए डेबिट में लिखेंगे 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, ये कॉमे बता दिए मैंने, कॉमा कॉमा करके 1 लाख, ठीक है बेटे, ओके। बड़े करो थोड़ा सा, शायद हो सकता है किसी को देखने में दिक्कत आ रही हो, लीजिए ये 1 लाख रुपया। कैश को डेबिट किया, राम को क्रेडिट करना है। अब देखिए क्रेडिट वाले को क्या करना है, जो ये कैश है ना, ये देखिए, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ऐसा कोई फिक्स रूल तो नहीं है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन स्वाद अनुसार नमक की जो कहानी है वो थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, तो मैं आपका स्वाद अनुसार छोड़ ही रहा हूं, मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूं। सी छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, यानी पहले 2 डिजिट छोड़ दिए और तीसरे डिजिट के नीचे से 2 शुरू कर दिया, 2, बस इतना छोड़ दीजिए, 2 डिजिट छोड़ दो और कर दिए, आइंदा नहीं करना, बस शुरू शुरू में ऐसे करना। आप दिमाग में रखें कि मुझे 2 डिजिट छोड़ कर, ताकि ये ना तो इससे बाहर जाए आगे, ना इसके नीचे रहे और थोड़ा सा पीछे रहे, तो 2 डिजिट छोड़ के लिखिए। कैश अकाउंट डेबिट 2 क्या लिखना है, राम्स कैपिटल, 2 राम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 1 लाख रुपए जो कि 2 माने क्रेडिट है, डेबिट वाले को डेबिट बोलते हैं, क्रेडिट वाले को क्रेडिट नहीं लिखते, जब 2 लिख दिया तो 2 मतलब क्रेडिट, ये हमारा रूल है, ऐसा सिस्टम चलाते हैं हम कि 2 का मतलब यहां पर क्रेडिट हो जाता है, यहां पर इसमें कह रहा हूं जनरल में 2 का मतलब क्रेडिट, 2 राम। तो बेटे ये देखिए ऐसे लाइन जाएगी, इसमें नहीं लिखना, इस क्रेडिट में लिखना, देखो क्या किया, डेबिट वाले को डेबिट में लिखा और जो 2 वाला यानी क्रेडिट वाला उसको रकम किसमें लिखी, क्रेडिट। अगर आप देखो तो तिरछा लिखा गया, तिरछा, मैंने 1 लाख यहां पे नहीं लिखा, अगर मैं यहां लिखूंगा ना तो वो दोनों के दोनों कैश की सीध में आ जाएंगे, मुझे तो कैपिटल के सामने कैपिटल में लिखना। अरे अब देखिए, जब मैं राम्स कैपिटल लिख रहा हूं तो मुझे ऐसा शक हो रहा है कि जैसे ये तो राम की पूंजी है, तो हो सकता है कोई और भी होगा इसमें, अगर एक ही व्यक्ति है और उसी ने पूंजी लगाई, अगर एक ही व्यक्ति है तो बेटा यहां पर मैं राम ना लिखूं तो ठीक है, क्यों भला, क्योंकि कैपिटल माने मालिक की पूंजी, कैपिटल माने मालिक, लेकिन अगर 2 हो, राम हो, सोहन हो, मोहन, कोई भी हो, तब तो मुझे 2 राम्स कैपिटल, 2 मोहन कैपिटल, 2 सोहन कैपिटल ऐसे लिखना पड़ता है। तो जब एक व्यक्ति है तो मैं सीधा कैपिटल, फिर बीच में गैप तो नहीं आएगा, 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अब यहां पे एक ब्रैकेट चालू करते हैं जिसको कहते हैं नरेशन, क्या कहते हैं, नरेशन। ये क्या हुआ, आप ये देखिए क्या लिखा, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसी से आप हेल्प ले लीजिए, यानी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बस यू कर लीजिए कि बिजनेस
स्टार्टेड विद कैश, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, बस खत्म। रुपए लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो लिखा ही है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, गौर करिए, केवल 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 पर्टिकुलर के खाने को बंद करना है। मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, क्लियर कट कहता हूं, लेकिन पता नहीं कुछ बच्चे फिर भी गौर नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब गौर करोगे मेरी बात पे। पांच कॉलम है, 1 2 3 4 5, पांच कॉलम, केवल एक बंद करना है। यू कर लीजिए, क्या पांच में से केवल एक कॉलम बंद करना है, बाकी बंद नहीं करने। तो क्या करना है, यहां से लेकर इसमें लाइन लगानी है, ऐसी स्किल्स। ये ऐसे चर्चा कर दूं मैं कि यहीं पर कर देना बंद। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आगे तक लाइन, पीछे तक लाइन, यही तो गलती करते हैं। पांच में से केवल एक खाना बंद करना, बंद हो गया, खत्म खाने। नेक्स्ट, मैं तीनों रूल लिख के रख दूं यहां पे, थोड़ा सा काम आ जाएंगे आपके। पर्सनल, पर्सनल का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का क्या रूल है, चलो नॉमिनल का बाद में करेंगे, अभी तो नॉमिनल का नंबर नहीं आ रहा।